सलाम बाबा। सलाम मेरी बच्ची, जीती रहो, बैठो। मैं तुम्हारे लिए गंदुम लेकर आता हूं। बाबा तुम्हें कहां लेकर गए थे? हम अपनी माँ राहिल की कब्र पे गए थे। मुझसे क्या काम था? कल रात याकूब ने अपना जानशीन मुकर्रर कर लिया है। मैंने सोचा कि शायद आप भी सुनना चाहेंगी। फिर खातिर जमा रखो, वो मेरे और तुम्हारे बेटों में से कोई नहीं है, बल्कि यूसुफ है, राहिल का बेटा। साफ साफ बोलो, मामला क्या है? मैं जब बेदार हुई तो वो यूसुफ से कह रहे थे कि अपना ख्वाब अपने भाइयों से मत बयान करना, तुम खुदा के नबी और इब्राहिम और इसहाक के वारिस हो। और सबसे दिलचस्प बात जो थी वो ये कह रहे थे कि तुम अपने भाइयों पर हुक्मरानी करोगे और वो तुम्हें सजदा करेंगे। वो खुद भी यूसुफ के सामने तो जानू बैठे हुए थे और उन्हें चूम रहे थे। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि याकूब का जानशीन मेरे बेटों में से हो, लेकिन अगर नबी खुदा की मर्जी इसी में है तो मैं भी इसे तस्लीम करती हूँ। यानी तुम अपने बेटों पर यूसुफ की हुक्मरानी को बर्दाश्त कर लोगी? कोई चारा नहीं, अगर याकूब की मर्जी यही है तो मुझे कबूल है। बेहतर होगा कि आप भी इसे कबूल कर लें। लेकिन मैं ये किसी तौर पर, मेरा भी ख्याल है कि हमें सर झुका लेना चाहिए। बानोलिया यकीनन दुरुस्त फरमा रही हैं, हमें चाहिए कि नबी खुदा के हुक्म की अताअत करें। मुझे यकीन है कि यूसुफ के भाइयों को भी एतराज़ नहीं होगा। तुम कितनी बेवकूफ़ हो, हर बात तो लिया से कहने की नहीं होती है ना। बैठो, हमें कुछ करना होगा। हमें चाहिए कि हम अपने बेटों से बात करें। यूसुफ ने ख्वाब देखा है, तुम लोगों पर हुक्मरानी का ख्वाब, मेरा यकीन करो। इसमें क्या मुश्किल है, खुद यूसुफ से पूछ लेते हैं। तुम क्या समझते हो, अगर ख्वाब देखा होगा तो बता देगा? हाँ बिल्कुल, यूसुफ झूठ नहीं बोलता, अगर देखा होगा तो बता देगा। यहूदा ठहरो, यूसुफ। जी भाई। तुम्हें पता है कि हम अपने प्यारे और मेहरबान भाई यूसुफ से मोहब्बत करते हैं। मैं भी आपको चाहता हूँ सच्ची यहूदा, मैं कब आपकी तरह बड़ा होऊंगा? तुम बड़े हो और खुदा के नज़दीक और अपने मुकाम व मंजिलत और अपनी बड़ाई से बखूबी आगाह भी हो। आप किस मकाम की बात कर रहे हैं?
वही जिसकी निशानदेही कल रात तुम्हें ख्वाब में की गई थी। ख्वाब याद है ना? वो ख्वाब जो तुमने देखा था। हमें जब पता चला कि तुमने ऐसा कोई ख्वाब देखा है जो तुम्हारी बुलंदी की निशानदेही करता है, तो हमें बहुत खुशी हुई। बाबा ने आपको बताया है कि मैंने ख्वाब देखा? आखिर मैंने उनके सिवा किसी को नहीं बताया। नहीं, बाबा ने तो नहीं बताया, मगर मैंने खुद सुना था। आधी रात को जब सैन में आया तब मैंने सुना था कि बाबा तुम्हें कह रहे थे कि अपना ख्वाब किसी को मत बताना। क्या तुम हमें भी अपना ख्वाब सुनाओगे? बोलो, क्या कहना चाहते हो मेरे भाई? तो आपने ये भी सुना है कि बाबा ने कहा है कि अपना ख्वाब किसी से बयान मत करना। इसमें क्या बुराई है? तुम्हारे भाई तुम्हारी खुशी में शरीक होना चाहते हैं। जानता हूँ आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, शायद आपको ख्वाब बताने में कोई बुराई भी ना हो, लेकिन मैं बाबा के हुक्म की नाफरमानी नहीं कर सकता। मैं बाबा को बताऊंगी कि तुम यूसुफ को मारना चाहते थे। बस करो दीना, यहूदा का मारने का इरादा नहीं, बस यूसुफ पर उसे जरा गुस्सा आ गया है। चलो। यहूदा क्यों गुस्सा कर रहा था? तुमने आखिर ऐसा क्या कह दिया? वो जो पूछना चाहते थे नहीं बताया अपना ख्वाब। उन्हें कैसे मालूम हुआ कि मैंने ख्वाब देखा है? सिवाय बाबा के किसी को नहीं पता। मैं बाबा से कहूंगी कि यहूदा तुम्हें मारना चाहता था। मत कहना। क्यों? मैं अपने भाइयों से मोहब्बत करता हूँ, मैं नहीं चाहता कि बाबा उनसे खफा हो। वैसे दीना, यहूदा मुझे क्यों पसंद नहीं करता, जबकि बाबा ने कहा है कि भाइयों को चाहिए एक दूसरे से मोहब्बत करें और एक दूसरे का एहतराम करें। मलहा, सुल्फा, लिया, लियाओ, देखो मैं गंदुम लाया हूँ। सलाम बाबा। सलाम। सलाम मेरे बच्चे, जीते रहो, बैठो। सलाम नबी खुदा। बलहा, गंदुम पीसने की तैयारी करो, रोटी पकाने के लिए आटा नहीं है। इस साल के गंदुम की पहली बोरी है, बड़ी मुश्किल से गंदुम के दानों को भूसे से जुदा किया है। बाबा, सारे भाइयों को मालूम है कि मैंने ख्वाब देखा है। उन्हें कैसे मालूम हुआ? मुझे नहीं पता, उन्होंने मेरे ख्वाब के बारे में पूछा, जब मैंने नहीं बताया तो मुझ पर गुस्सा हुए। बला, बला। जी या नबी अल्लाह। अब तक बारहा मैंने तुम्हारी लगाई बुझाई और कनसुनियों का मुशाहिदा किया है, लेकिन चुप रहा इस उम्मीद पर कि शायद इस काम से बाज आ जाओ और अपनी सलाह कर लो। लेकिन लगता है जब तक तमाम भाइयों को एक दूसरे के खून का प्यासा न कर दोगी, चैन से नहीं बैठोगी। मुझे नहीं मालूम नबी खुदा क्या कहना चाह रहे हैं, मैं बेकसूर हूँ। मैं कल रात तुम्हारे हुजरे में था, यूसुफ ने वही ख्वाब देखा और वही मुझसे बयान किया। मेरे और यूसुफ के अलावा कोई इस माजरे से बाखबर नहीं था। तुम्हारे सिवा कौन इस ख्वाब और उसकी ताबीर के बारे में सुन सकता है? मगर मैं कसम खाती हूँ कि कल रात मैं सोई हुई थी। तुम झूठ बोलती हो। मैंने कल रात तुम्हारे कमरे में आहट सुनी थी, वहां तक गया भी था, लेकिन जब तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को सोता हुआ पाया तो अपने कानों पर एतबार ना किया, जबकि मैंने ठीक सुना था। अब तक बारहा जुल्फा को धोखा देकर चुगलखोरी और बदगोई पर उकसाया है, यहूदा और उसके भाइयों को यूसुफ के खिलाफ भड़काया है और अपने बच्चों में यूसुफ के लिए कीना का बीज बोया है, लेकिन मैं चुप रहा। बल्हा, अगर आज के बाद तुमने कोई ऐसी गलती की तो अपने बेटों को लेकर तुम्हें तुम्हारे शहर फद्दान बाबुल भेज दूंगा। सुना तुमने मैंने क्या कहा? नहीं, 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 नहीं।
मैं नबी खुदा से वादा करती हूँ कि आज के बाद इन्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी और हमेशा इनके हुक्म की अताअत करूंगी। मुझे माफ कर दें, मेरा आपके सिवा कोई नहीं है, मैं आपकी कनीज हूँ, मुझे यहीं दफन कर दें, लेकिन फद्दान वापस भेजने की बात मत करें। नहीं, इसमें शक नहीं कि सूरज हमारे बाबा, चांद हमारी माँ, 11 सितारे तो वाजे ही हैं। बाबा ने इस बेवकत बिन माँ के बच्चे को इतनी अहमियत दे दी, ख्वाब में खुद को माबूद और हमें अपने आगे सजदा रेज देखता है। ना सिर्फ हम लोगों को बल्कि बाबा और अपनी माँ को भी अपने आगे सजदा रेज देखता है। आज यहाँ से कोई नहीं जाएगा जब तक कि यूसुफ और हमारा मसला हल नहीं हो जाता। मैं अपने तमाम बेटों को एक साथ चाहता हूँ, लेकिन यूसुफ से मेरी बेपनाह मोहब्बत यूसुफ पर खुदा के खास लुत्फ करम की वजह से है। उम्मीद है कि मेरे बेटे इस मोहब्बत को समझ सकें और यूसुफ से हमेशा मोहब्बत से पेश आएं और उससे दुश्मनी न करें। क्या वाकई वो समझता है कि वो हम पर और हमारे माँ बाप पर बर्तरी रखता है और एक रोज हम पर हुक्मरानी करेगा? यूसुफ वहम का शिकार हो गया। ये तमाम ख्यालात बाबा के बेजा लाडो प्यार और माँ की बेतहाशा मोहब्बत का नतीजा है। समझ में नहीं आता कि बाबा इस यूसुफ को हम सबसे ज्यादा क्यों चाहते हैं। आखिर हम सब में क्या कमी है? घर चलाने की तमाम जिम्मेदारी हमारे कंधों पर, ज़रात खेती बाड़ी के तमाम काम हिसाब किताब हमारे जिम्मे, भेड़ों को चराना और भेड़ियों से बचाना हमारा काम, भेड़ों को चारा पानी डालना उनकी हिफाजत, बाड़े की सफाई सुथराई उनकी गंदगी जमा करना सब हमारे कंधों पर। बाबा और माँ की सारी मोहब्बत और तवज्जो और तो और फायका फुप्पो की सारी मोहब्बतें और इनायतें सब के सब यूसुफ के लिए है। वो भी एक कमजोर और बेहैसियत बच्चे के लिए जो अपनी नाक तक खुद साफ नहीं कर सकता। बाबा की मोहब्बत और तवज्जो ही क्या कम थी जो अब हम पर बढ़तरी और सरदारी करने के सुनहरी ख्वाब देखने लगा है। मैं बाबा को गुमराही में मुब्तला देख रहा हूँ। इन तमाम गलतियों का सर चश्मा वही है, लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगा और राहिल के बेटे की सरदारी को किसी सूरत कबूल नहीं करूंगा। हमें भी कबूल नहीं है, लेकिन इसका मुनासिब हल क्या हो सकता है? शायद तुम में बोलने की जरूरत ना हो, लेकिन मैं बोले देता हूं, यूसुफ को रास्ते से हटाना होगा। ये बहुत खतरनाक बातें हैं, इतनी आसानी से जबान पर मत लाओ। आखिर क्यों ना लाऊं? इस तरह से बाबा को भी इम्तियाजी सलूक करने की सजा मिल जाएगी और यूसुफ भी हम पर सरदारी करने की आरजू अपने साथ अपनी कब्र में ले जाएगा। अगरचे मुझमें यहूदा जैसी जरूरत नहीं, लेकिन बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। वैसे मेरे ख्याल में इसके अलावा और कोई हल भी नहीं है। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब से यूसुफ ने इस दुनिया में कदम रखा है, सबकी तवज्जा का मरकज बना हुआ है और सबकी मोहब्बतें भी उसी के लिए हैं। बस अब बहुत हो चुका, आखिर कब तक बर्दाश्त करें और बाबा और माँ के होते हुए उसे कुछ ना कहें? ये मत भूलो, भाई का खून और बाबा की नाफरमानी ऐसा अजीम गुनाह है जिसके नतीजे में अज़ाब जहन्नम यकीनी है। मेरे पास इसका भी हल है। तौबा, यूसुफ के कत्ल के कुछ अरसा गुजरने के बाद खुदा से बख्शिश तलब कर लेंगे और खुदा तो है ही बड़ा बख्शने वाला, हमें बख्श देगा। वैसे ही जैसे दूसरे गुनाहगार सोचते हैं, गुनाह करेंगे, गलती के मुर्तकिब होंगे और बाद में तौबा कर लेंगे। अरे तो और क्या, यूसुफ की मौत और बाबा की तवज्जो हासिल करने के बाद तौबा करके अपनी इसलाह कर लेंगे और क्या। और अगर खुदा ने तौबा की तौफीक ही हमसे सल्ब कर ली तो खताकार के लिए तौबा का इम्कान हमेशा मयस्सर नहीं होता, और अगर तौबा की तौफीक नहीं मिली तो हमेशा के लिए लानती हो जाएंगे और जिल्लत और रुसवाई आने वाली नस्लों के जहनों में बाकी रहेगी कि कुछ गुनाहगार पैगंबर जादों के हाथ अपने ही भाई के खून में रंग गए। मैं लावी की बातों से मुत्तफिक हूं,
लेकिन सब बेफायदा हैं। लेकिन लावी और यहूदा से बेहतर कोई और हल हो तो पेश करें। सिर्फ मुखालफत करना और खुद को पारसा जाहिर करना ज्यादा मुश्किल नहीं। अगर ऐसा ही है तो कोई हल पेश करो। क्या हमारा मकसद बाबा की मोहब्बत और तवज्जो पाना नहीं है? वो तो है, हमारा मकसद बाबा की तवज्जो पाना है, बस। बस तो फिर कुछ ऐसा करो कि बाबा की नजर यूसुफ पर ना पड़े, उसे बाबा से दूर कर दो। वक्त के साथ साथ उनकी तवज्जो यूसुफ से हट जाएगी और तुम्हारी तरफ हो जाएगी। ये भी तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि बाबा यूसुफ को अपने से दूर नहीं करेंगे। तो फिर आओ इस बारे में कुछ सोचें। पहले ये समझ लें कि यूसुफ को मारना कोई हल नहीं है, फिर बाबा से यूसुफ को दूर करने के बारे में कोई हल मिल ही जाएगा। चलो चलें। वो हफ्ते में एक दिन मकफीला में तन्हा गुजारते हैं, इस वक्त उनसे बात करना मुनासिब ना होगा। वो इबादत के वक्त दूसरे कामों पर तवज्जो नहीं देते। खुशकिस्मती से वो इस वक्त मकफीला में है, और यही बेहतरीन मौका है कि बगैर किसी मुदाखलत के उनसे सुकून से बात कर सकें। चलो चल कर देखते कि क्या होता है। सलाम बाबा। सलाम बाबा। सलाम बच्चों। अपने माबूद के साथ राजो न्याज में मशगूल हैं। आप हमारे लिए भी दुआ कर रहे हैं? तुम लोगों के लिए तो मैं हमेशा ही दुआ गो रहता हूं। यहां क्या कर रहे हो तुम? जानते हो ना कि आज मैं दूसरा कोई और काम अंजाम नहीं देता। हम आपसे इजाजत लेने आए हैं ताकि यूसुफ को अपने साथ सहरा ले जाएं। क्या हुआ, अचानक तुम्हारे जहन में यह ख्याल क्यों आया? वो कोई खास बात नहीं, बस हम चाहते हैं कि यूसुफ को अपने साथ सहरा ले जाकर थोड़ा तफरी करें, खेले कूदें, और उसे जानवर चराने के कुछ तौर तरीके भी सिखाएं। तुम्हें तो पता है कि अभी तो यूसुफ के खेलने कूदने के दिन हैं। जब बड़ा हो जाएगा तो वो भी तुम्हारी तरह सहरा में जाएगा। हम वादा करते हैं उसका ख्याल रखेंगे। हाँ बाबा, हम वादा करते हैं। अभी मुनासिब नहीं, बाद में फिर सही। मुझे पहले ही समझ लेना चाहिए था कि ये काम तुम लोगों के बस का नहीं है। अगर तुम्हारे बस का था तो खुद क्यों नहीं चले गए? मेरा ख्याल है हम नबी ज़ादे हैं। मुझे पता था यूसुफ को सिवाय कत्ल करने का कोई दूसरा रास्ता नहीं। मैं जानता था लावी के मशवरे का कोई फायदा नहीं। बाबा कभी भी यूसुफ को खुद से दूर नहीं करेंगे। तुम लोग बाबा की मौजूदगी में तो यूसुफ को मारने से रहे, या मार सकते हो? हर सूरत में पहले यूसुफ को बाबा से जुदा करना होगा, फिर उसके बारे में कोई हल सोचना होगा। मेरे जहन में एक तरकीब है। अब एक ही शख्स है जो बाबा को राजी कर सकता है कि वो यूसुफ को हमारे साथ सहरा जाने दें, वो है खुद यूसुफ। उसे वरगलाएं, उसे सहरा में घूमने फिरने और खेलने कूदने का मज़ा बताएं, तो वो खुद ही जब हमारे साथ जाने की ख्वाहिश जाहिर करेगा तो यकीनन बाबा इनकार नहीं करेंगे। ये भी ठीक है,
ऐसा करके देख लेते हैं। क्या तुम हमेशा यहीं घर में रहकर बिन्यामिन और दीना के साथ खेलना चाहते हो? हाँ, मुझे दीना और बिन्यामिन के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है। मगर मेरा भी दिल चाहता है कि तुम्हारे साथ खेलूं, लेकिन यहाँ नहीं, सहरा में खेलने कूदने का बड़ा मजा आता है। गल्ला क्यों नहीं लेकर जा रहे हो? बाकी भाइयों के मुंतजिर हैं। तुम लोग आज सहरा नहीं जाओगे? बस जा ही रहे हैं। हम आए ताकि आप यूसुफ को हमारे साथ जाने की इजाज़त दे दें। यूसुफ को हमारे साथ सहरा जाने की इजाज़त क्यों नहीं देते? ताकि हमारी मदद भी करे और हमारे साथ कुछ खेल कूद भी करे। सहरा खूबसूरत और खुशबूदार रेहान से भरा पड़ा है। कभी तुमने रसभरी खाई है? नहीं, कैसी होती है? बहुत मज़ेदार, मुझे तो बहुत पसंद है। क्या तुमने कभी ठंडे पानी के चश्मे और बहती हुई नहरें देखी हैं? बात दरअसल ये है कि यूसुफ की माँ नहीं है, उसकी माँ की वसीयत के मुताबिक उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी मेरी गर्दन पर है। और फिर माँ बाप का फर्ज है कि वो अपने छोटे बच्चों का ज्यादा ख्याल रखे। लोग हमें ताने देते हैं कि क्या तुम्हारे बाप को तुम पर भरोसा नहीं है जो यूसुफ को तुम्हारे साथ नहीं भेजते? कम से कम आज उनके साथ जाने दें ताकि लोगों की जबानें बंद हो जाएं। लिया, वो अभी बच्चा है, मुझे उसकी आदत हो चुकी है। अगर सहरा जाना और ये काम सीखना उसके हाथ में बेहतर होगा, लेकिन अभी गल्ले के पीछे भागना उसके बस की बात नहीं। लेकिन हम यूसुफ से छोटे थे जब सहरा गए थे। तुम अकेले तो नहीं गए थे? मैं यूसुफ को भी आहिस्ता आहिस्ता सहरा की तरफ लाऊंगा और ये काम सिखाऊंगा, लेकिन उसे यूं अकेला भेजना मुनासिब नहीं है। तो बाबा, हम भी तो उसे ये काम सिखा सकते हैं और बड़े भाई की हैसियत से उसे नसीहत और तरबियत भी कर सकते हैं। मैं भी चाहता हूं कि यूसुफ की तरबियत हो और वो तजुर्बेकार और इस काम में माहिर हो, लेकिन वो अभी बच्चा है। तुम्हें मालूम है कि उसे मेरी मोहब्बत और घर रहने की आदत है। अभी तुम लोगों के साथ वहां पहुंचेगा नहीं कि वापस मेरे पास आने की जिद करने लगेगा। हम उसे खेल कूद में इतना मसरूफ रखेंगे कि आपकी और घर की बिल्कुल याद नहीं आएगी। कितना मजा आएगा चश्मे का ठंडा पानी पीने और नहर में खेलने में। हम सब भाई एक दूसरे के साथ खेलेंगे और मजे करेंगे और कुश्ती लड़ेंगे और खाने में गरम गरम दूध और गोश्त। हमें लगता है आपको हम पर एतमाद ही नहीं। मुझे तुम लोगों पर एतमाद है, लेकिन सहरा के भेड़ियों पर एतबार नहीं है। कहीं तुम लोग खेल में मसरूफ हो गए और यूसुफ से गाफिल हो गए तो कहीं भेड़िया उस पर हमलावर ना हो जाए, जैसा कि ख्वाब में चंद भेड़िए एक बच्चे के पीछे पड़े हुए थे। ये तो सब बहाने हैं बाबा। अच्छा, वो जो आपने खुद देखा जब हमने भेड़िए को मारा, अगर भेड़िया यूसुफ पर हमला करे तो फिर हम 10 भाई किस दिन काम आएंगे? आपका मतलब ये है कि हम इतने कमजोर हैं कि अपने भाई को भेड़िए के हमले से भी ना बचा सकें? बाबा, अगर आप कहें तो मैं भाइयों के साथ सहरा चला जाऊं। बेटा, तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम्हें बच्चों के साथ खेलना चाहिए। लेकिन बाबा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मेरा दिल चाहता है कि अपने बड़े भाइयों के साथ खेलूं। इनके साथ सहरा जाने की इजाज़त दे दीजिए ना। अब क्या कहेंगे, यूसुफ भी हमारे साथ जाना चाहता है। हाँ बाबा, यूसुफ को हमारे साथ सहरा जाने की इजाज़त दे दीजिए। दरख्वास्त करता हूँ बाबा की इजाज़त दे दें कि मैं अपने भाइयों के साथ सहरा चला जाऊं। बाबा, मैं इल्तिजा करता हूं। ठीक है, चले जाओ बाबा। आप पर दुरूद हो बाबा, बहुत शुक्रिया, बहुत खूब। चलो यूसुफ, चलें। जरा रुको,
यूसुफ को तैयार करने दो। इधर आओ बेटा। यूसुफ का ख्याल रखना, उसे तुम्हारी तरह सख्तियों की आदत नहीं है। अरे माँ, क्यों परेशान होती हो, हम उस पर कोई आंच नहीं आने देंगे। अपने भाइयों से दूर मत होना, वहां बहुत ख्याल से रहना। ये कमीज भी पहन लो। ये तो मेरे नाप से बहुत बड़ी है बाबा। तुम पहनो तो देखना तुम्हारे नाप की हो जाएगी। ये कमीज उस शख्स के लिए जो ये पहनने की अहलियत रखता हो, उसके नाप के मुताबिक हो जाती है। बाबा, ये तो मेरे नाप की हो गई। जानते हो, ये कमीज जन्नत से मेरे दादा इब्राहिम के लिए आई थी। इब्राहिम खलील रहमान ने ये कमीज मेरे बाबा इसहाक को दी, उन्होंने मेरे सुपुर्द की, और अब मैं ये तुम्हारे हवाले करता हूं। इस कमीज की बहुत हिफाजत करना, खुद से जुदा मत करना, ये तुम्हारे हर कदम पर हिफाजत करेगी। मैं किसी को भी ये नहीं दिखाऊंगा। खुदा तुम्हें तमाम आफात अर्जी और समावी से महफूज रखे। हर जगह अपने भाइयों के साथ रहना, वो जो कहें उसे मानना। लो, यूसुफ भी आ गया। चलो यूसुफ, चलें। मैं भी शहर के बाहर तक तुम्हारे साथ चलता हूं। ठीक है, चलें। चल। परेशान ना हो बाबा, हम आज यूसुफ के साथ एक बेहतरीन दिन गुजारेंगे। तुम्हारे भाई तुम्हारे खैरख्वाह और हमदर्द हैं। जो काम हो इनसे कहना, तुम्हारी मदद करेंगे। अपना ख्याल रखना मेरे बच्चे। यूसुफ के लिए मैंने काफी खाना और पानी रख दिया है, ख्याल रहे ये भूखा ना रहे। जी जरूर। लावी, यूसुफ तुम्हारे सुपुर्द है, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचे और न किसी सख्ती का सामना हो। कोई जबरदस्ती नहीं है बाबा, अगर आप परेशान हैं तो यूसुफ को ले जाने की इजाजत मत दीजिए। नहीं, कोई मसला नहीं, ले जाओ इसे, लेकिन इसका ख्याल रखना। मैं अपनी और अपने भाइयों की तरफ से आपको यकीन दिलाता हूँ कि मगरिब के वक्त यूसुफ को हंसता खेलता आपके पास ले आऊंगा। चलो यूसुफ। चलो यूसुफ। यूसुफ, जानवरों को आगे बढ़ाओ। चलो यूसुफ। परेशान मत होइए, उसके भाई उसका ख्याल रखेंगे।
ये क्या कर रहे हो यहूदा? मेरे बाजुओं में दर्द हो गया है। ये किस किस्म का खेल है? Ah!